आज के इस महफिल में, इस बज़म में हम बात करेंगे दुख की और दुख की वजूहात की। वासिफ अली वासिफ से फरमाते हैं, बीवी ने खामिन को अलविदा कहा, जहाज उड़ा, ख्याल ने रिफतों को छुआ, हौसले बुलंद हुए, ये सफ़र आसूदगी की नवीद था। खामिन को नौकरी मिल गई थी, वतन से दूर दयारे गैर में तनख्वाह डॉलरों में थी। दिन गुजर ही गए, बीवी इंतज़ार करती रही खामन का, नहीं उसके भेजे हुए पैसों का। पैसे मिले, बहुत से मिले, मकान सजा, फानूस लगे, रोशनी हुई, मेहमान आए, खाने पके, रौनकें हुई, बस सिर्फ घर का मालिक ही घर में ना था। मेरी ज़िंदगी जिसने अता की है वही वापस ले लेगा, इसमें मेरा क्या दखल है? क्या मैं अपने आप को और अपने दखल को दुनिया पर छोड़ सकता हूँ? कब से निजात पा सकता हूँ? हुक्म देने वाले का हुक्म जिंदगी है तो हम जिंदा हैं, हुक्म देने वाले का हुक्म मौत है तो हम मरे हुए हैं। हमें उसकी अतात करनी चाहिए, अतात और सिर्फ अतात दुख से निजात है। यहाँ ना कुछ खोना है ना पाना है, यहाँ तो सिर्फ आना है और जाना है, दुख तो सिर्फ इसी बात का है। उम्मीद करता हूँ आज की इस महफिल से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।